जब जिसके पिछवाड़े में आग लगती है ना, उसको मल्टीपल वेज पता चलते हैं। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक ऑब्जर्व किया था, कभी भी कोई चीज़ जो नेगेटिव होती है ना, वो बहुत जल्दी और बहुत रैपिड वे से फैलती है। मैंने अभी अभी यूट्यूब में देखा था, तो यूट्यूब में दो वीडियोस थी, एक ने बहुत ही अच्छे वे से प्रेजेंट कर रखा था एक चीज़ को, तो एक और जो था उसने ऐसा प्रेजेंट करा था कि वो अपोजिट था उसके रिगार्डिंग। तो मैंने दोनों में कंपेयर किया था, तो मुझे पता चला कि जो सेकेंड वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। एक्चुअली जो फर्स्ट वीडियो थी वही एक्चुअली करेक्ट है, लेकिन सेकेंड वीडियो गलत थी। तब भी जो है सेकेंड वीडियो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और फर्स्ट वीडियो कम पॉपुलर हुई। मेरा यही मानना है, लोग पता नहीं ज़्यादातर लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचने लगते हैं किसी भी चीज़ में, कि अगर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ। तो आप ये सोचो ना, आपसे आपको उससे मिल क्या रहा है, ये सोचो। आपको हर एक सिचुएशन में, नेगेटिव हो या कोई सी सिचुएशन हो, आपको वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, आपको वहाँ पर एक पॉजिटिव साइड दिखनी चाहिए, वरना आप में और दूसरों में थोड़ा ना कोई फ़र्क रहेगा। फ़र्क रहना है ना, तो वही आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और एक और चीज़, जिसने भी आपको बड़ा बनाया ना, उसके सामने कभी भी बड़ा मत बनना, क्योंकि आपके गुरु होते हैं, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं उस फील्ड में, उसलिए आपको वो चीज़ आपने उनसे सीखी है, ये भी याद रखना। तो जिसने भी आपको मतलब बड़ा बनाया ना, उसके सामने कभी भी बड़ा मत बनना। एंड कभी भी जो आपके मेंटर्स होते हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं, जो आपके पेरेंट्स, सभी को इक्वल रेस्पेक्ट दिया करो, बहुत ज़्यादा इक्वल रेस्पेक्ट दिया करो, क्योंकि अगर वो नहीं होते ना, तो हम इस कंडीशन में अभी तक नहीं होते। मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे, तो उन्होंने मुझे सिखाया, उसलिए मैं इस काबिल हूँ ना। अगर कैमरा के सामने मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, तो उनकी वजह से बोल पा रहा हूँ। और एक दिन में मैं समझ रहा हूँ कि कैमरा के आगे नहीं बोल सकते, इट टेक्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। मैंने बहुत ऑलरेडी प्रैक्टिस करी है कि कैमरा के आगे कैसे बात करते हैं। अब समझ लो, अगर इंसान है तो इंसान के सामने आप बोल सकते हो, लेकिन कैमरा के आगे क्या सोच के बात करोगे आप? क्या है कैमरा? ये रहा एक कैमरा, सोच के आप नहीं बात कर पाते ना, आपके पास वर्ड्स कहाँ से आएंगे? आप घबराओगे फिर कि क्या बात करूँ। आप समझ लो, आपका जो मेंटर्स है ना, मेंटर्स ने ही आपको सिखाया होगा इसके काबिल। इस काबिल आपके मेंटर्स ने बोला होगा कि ऐसे प्रैक्टिस कर, तभी आप इस लायक बने हो। और अगर आपने कभी भी आपके मेंटर के ऊपर या फिर मेंटर के ऊपर गलत ले लिया ना, गलती से भी कुछ भी, तो समझ लेना जिस थाली में खाया उसी में छेद है। जिस जो चावल आप खा रहे हो, वो आप पत्थर के चावल खा रहे हो, यही हो जाएगा मीनिंग। यही मानना है, जितना कम नेगेटिव सोच सके उतना नेगेटिव कम सोचो, क्योंकि नेगेटिविटी ऐसा सड़ा हुआ आलू है ना, जो पूरे मतलब एक सड़ा हुआ आलू है जो पूरे गोदाम को सड़ा रहता है। नेगेटिविटी तभी फेस करते हो जब आप दुनिया से कुछ हटके काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सभी चीज़ को आप उसी को छोड़ दोगे। आपको नेगेटिविटी जब ही आती है कि जब आप कुछ हटके काम करते हो, तो समझ लो जो हटके काम करता है उसे नेगेटिव आना डेफिनेटली है, क्योंकि वो हटके काम कर रहा है। अगर वो हटके कुछ अचीव करना चाहता है, तो उसे नेगेटिविटी तो फेस करनी पड़ेगी, नेगेटिविटी, रिजेक्शन, सब कुछ फेस करना पड़ेगा। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर वो नहीं होगा तो नेगेटिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और जो उसको आगे खेल गया, दैट इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। जो भी काम आप कर रहे हो ना, उसका एक रीज़न वाला लो, आप काम क्यों कर रहे हो, आपकी वाई क्लियर कर लो कि काम मुझे क्यों करना है। क्योंकि जब तक आपका रीज़न नहीं बनेगा, तब तक आपका जो काम है वो हो भी नहीं पाएगा, और आपका क्लियर भी नहीं होगा विजन। मैं इसी चीज़ को एक स्टोरी के साथ रिलेट करना चाहता हूँ। एक बार एक एरोप्लेन और एक रॉकेट की एक बार रेस होती है, तो एरोप्लेन और रॉकेट में कौन जीतेगा? जैसे आपको पता है, अगर एरोप्लेन और रॉकेट के बीच में अगर रेस हो रही है, तो मतलब बहुत लंबी रेस है, तो ऑब्वियसली एक रॉकेट ही जीतेगा। तो एरोप्लेन जाके रॉकेट को पूछता है, भाई रॉकेट तू इतना फास्ट कैसे चल जाता है, मतलब जैसे मैं आंखें बंद करके ऐसे खोलता हूँ तो ऐसे इतना फास्ट कैसे चल जाता है? रॉकेट एक आंसर बोलता है कि जब जिसके पिछवाड़े में आग लगती है ना, उसको मल्टीपल वेज पता चलते हैं कि कैसे जीतना है, कैसे काम वो करना है करके। तो आपका भी एक रीज़न बना लो, आपका भी एक थिंग बना लो कि क्यों करना है ये काम। अगर आपने वाई आपकी क्लियर करी ना, आपके पास नेगेटिविटी नहीं आएगी, रिजेक्शन नहीं आएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पता है कि वो काम आपने अगर हासिल कर लिया, तो आप कौन से लेवल पे आप बनने वाले हो।